एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो ये नंबर लाइन है 1, 2, -1, एनी नंबर, जैसे यहाँ पे 1.5 भी है, ये 1 और ये 2 है, तो बीच में क्या होता है? हाँ 3 रहता है क्या? 1 और 2 के बीच में 3 कैसे रहेगा? 1 के बाद क्या है? 1.5, 5 भी लेंगे, फिर 2, फिर 3, इधर आएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3। सब एनी नंबर और नंबर लाइन, इस नंबर लाइन का तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं 3 ले लो, सर फिर क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, जैसे कि 3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इज, वो क्या रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू? इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो, उसका कहां से डिस्टेंस? जीरो से। जीरो से। अब बताओ 3 का जीरो से डिस्टेंस कितना है? एब्सोल्यूट वैल्यू यानी क्या होता है? उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस, बताओ इसका जीरो से डिस्टेंस? 3। इसको बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको और 1 यूनिट, और 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 यूनिट कितना हो गया? 3। इसका डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट इसका। और ये जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है उसका एब्सोल्यूट। तो बताओ 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, इस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी को नहीं क्या मॉड्यूलस ऑफ 3 भी बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ, दोनों ही कहता। अभी तो हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू पर फोकस करेंगे, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूलस, सर कैसे लिखते हैं? ये है सिंबल उसका, और वो आपने पता क्या? अभी आपने बताया सर 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 से क्या लिखते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? उसका जीरो से डिस्टेंस, 3 का डिस्टेंस कितना? जीरो से 3 से। अब बता ये कौन है? माइनस। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 3, उसी को क्या बोलते हो? मॉड्यूलस ऑफ माइनस 3, ये है उसका मॉड्यूलस ऑफ माइनस 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कितने? माइनस 3। बताओ अब बताओ माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ने क्या बताया? उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस। अब बताओ जीरो से इसका डिस्टेंस कितना? आप इस डिस्टेंस को माइनस 1 बोलते हैं क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, वो नंबर माइनस 1 है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। आप डिस्टेंस बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1 यूनिट। अगर एक किलोमीटर वाली बात है तो बताओ ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से क्या माइनस 3 किलोमीटर है क्या? नहीं। जब किलोमीटर गिनोगे टेप तो 3 किलोमीटर बोलोगे, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। आप एक जगह पे खड़े हो, वहां से उधर वाले गांव की दूरी और इधर वाले गांव की दूरी, ऐसा मतलब कि उधर वाले गांव की दूरी प्लस 3 किलोमीटर, इधर वाले गांव की माइनस 3 किलोमीटर है। जैसे हम सामने खड़े, सामने से बुरजवाड़ा इधर 2 किलोमीटर है, तो सामने से इधर बुरजगांव का माइनस 2 किलोमीटर है क्या? वो भी 2 किलोमीटर बोलेंगे ना, कि माइनस 2 बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, कैसा बोलता है? या फिर जीरो, या फिर क्या बोलो? जीरो। यानी बताओ सामने का सामने से डिस्टेंस कितना है? जीरो। कुछ भी नहीं, वही पे है ना, इसलिए डिस्टेंस यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यानी जीरो होगा, या फिर कुछ होगा तो पॉजिटिव होगा। बताओ डिस्टेंस कभी निगेटिव होगा क्या? इसलिए क्या लिखी गया कि डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, डिस्टेंस सच कभी निगेटिव नहीं रहता, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी कभी निगेटिव नहीं रहता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी डिस्टेंस सच है। अगर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो जीरो बोलो, बताओ ये मुझसे कितनी दूरी पर है? कुछ भी नहीं, जीरो डिस्टेंस है, चिपक के बैठा है, बराबर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। या फिर कुछ दूरी पर है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है ना, तो डिस्टेंस इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा डिस्टेंस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या तो जीरो रहेगी या फिर पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं रहेगी। नंबर वाले निगेटिव रहेगा, जैसे कि देखो माइनस 3 निगेटिव, वो नंबर निगेटिव है, लेकिन उसका जीरो से डिस्टेंस कितना है? उसका जीरो से डिस्टेंस कितना? 3 निगेटिव। इसमें माइनस 3, ये माइनस 3, माइनस 3 की मॉड, मॉडलेस वैल्यू,
यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 3 जी, यानी 3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और -3 भी कितना 3 जी, इसलिए मॉड आप एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू +3 की भी निकाल सकते हो -3 की भी निकाल सकते हो दोनों के, लेकिन आंसर हमेशा कैसे आएगा पॉजिटिव में चलेगा, यानी आप मॉड के अंदर मॉड ये मॉड मॉड इसको मॉड्यूलस की जगह शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस है ना तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं मॉड, तो बताओ ये जो मॉड है ना इसके अंदर +3 नंबर आता है माइनस, ये नंबर लाइन वाला कोई भी नंबर आएगा, नंबर लाइन वाले किसी भी नंबर की आपको वैल्यू पूछेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, तो इसकी पूछेंगे तो +3 आएगा, इसकी पूछेंगे तो माइनस, इसलिए मॉड के अंदर तो कोई भी नंबर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी है तो हमेशा कैसे आएगी पॉजिटिव, अगर मैंने इधर -5 लिया तो -5 की क्या बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकला, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर आता है, अब 3 बोला तो डिस्टेंस 3 होगा और माइनस बोला तो डिस्टेंस 3 होगा, पर नंबर वही लिख रहा सिर्फ नेगेटिव साइन बदल रहा है, कहते हैं उसको पॉजिटिव साइन, ये बात याद रखना, और इसको लिखते कैसे एब्सोल्यूट, इट इज रिटन एज मॉड, दो लाइन निकाल देंगे वो नंबर अंदर डाल देंगे, रीड यानी पढ़ना, उसको पढ़ते कैसा है, उसको पढ़ते कैसा है, देखो लिखते ऐसा है और पढ़ते कैसा है, पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर क्या बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक चीज बोलना, लेकिन आपको पता है आगे के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, आपको आगे के लिए ये वर्ड याद रखना पड़ेगा मॉड, मॉड का मॉड शॉर्टकट वर्ड है एक्चुअली क्या मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को शॉर्टकट में क्या बोला है मॉड, लेकिन इसका मतलब आपको पता है मॉड यानी क्या, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, सर एब्सोल्यूट वैल्यू ने क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ने उस नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी वो जीरो से डिस्टेंस वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे ये आपको पता होना चाहिए, और आपको आगे चल के 10, 11, 12, 10th में नहीं है नहीं के बराबर 11, 12 में सबसे ज्यादा है 12वीं साइंस आगे चल के ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है चलो ठीक है, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, ऐसी दो लाइन के अंदर लिखा तो बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या अब हमने एक नंबर लिया एग्जांपल की तौर पे, हमने लिया 3 और मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 यानी मॉड्यूलस ऑफ 3, कैसे लिखते हैं ऐसे मॉड के अंदर लिखना, देखो इसका आंसर क्या है +3 क्योंकि 3 की मॉड्यूलस वैल्यू +3 है, बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 यानी मॉड्यूलस ऑफ -3, तो ये मॉड्यूलस का सिंबल दो लाइन की सिर्फ -3 लिखा तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी, ये साइन लगाओगे तब वो क्या है एब्सोल्यूट, ठीक है बिना साइन के नहीं, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 3, अब इसलिए कोई भी अगर मैं नंबर देता हूँ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ तो आंसर पॉजिटिव लिख के रख देना, लिखना वही बस कैसे पॉजिटिव, अब इसका एग्जाम्पल ये डायग्राम भी आपको निकालने पड़ेंगे, अब आप बताओ मैं अगर पिक्चर लेता हूँ राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर क्या आता है मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग यू फॉलोइंग इनकी जो पहले एग्जांपल बताओ मॉड ऑफ -5 -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 बताओ -3/2 की 3/2 वही है कि बस क्या होगा नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव बताओ 0 की 0 बताओ 7/3 की 7/3 ये तो बहुत अच्छी बात है पहले से पॉजिटिव है ऐसे कैसे पॉजिटिव लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं बताओ 7-2 बोलो तो फिर आपको इसको पहले सॉल्व करना होगा अंदर के अंदर बताओ 7-2 5 और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 बताओ 2-7 5 पहले अंदर के अंदर सॉल्व करो 2-7 5 अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो 5 आता है लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन लगता है ना ग्रेटर नंबर 7 है तो साइन पॉजिटिव ग्रेटर नंबर 7 साइन कैसा है नेगेटिव 2-7 कितना होता है -5 बताओ इसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है यानी +5 की भी 5 और -5 की भी 5 लेकिन बस आपको पहले इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने अगर कहा यहां पे 2-19 बोलो पहले क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे कितना होता है 2-19 पॉजिटिव नेगेटिव मिलते नहीं 88 और ग्रेटर नंबर का साइन बोले ग्रेटर नंबर 90 उसका साइन माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होगा -88 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 88 अब देखो यहाँ पे दिया मैंने -3-7 बोलो पहले इसको सॉल्व करो अंदर के अंदर आपको ये प्लस माइनस का अगर अभी भी नहीं पता तो क्या पहले ये पढ़ा
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलते, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मिलके रहते हैं। मिलेंगे कितना होगा 10 और ग्रेटर नंबर का। देखो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके रहते हैं ना, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, सब एक जैसे तो मिलके नहीं रहते। आप बताओ एक जैसे लोग क्या होते हैं, मिलके रहते हैं। और ये एक जैसे नहीं है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, सोच अलग अलग है, तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इनकी सोच सेम है, ये भी नेगेटिव तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, चलो मिलके रहेंगे। कितना 10 और ग्रेटर नंबर का सही, बताओ क्या आंसर है? 10। ठीक है, यानी आपको मेन है भी यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना, अभी सॉल्व करना आना चाहिए, ये है सिंपल, लेकिन आप लोगों को किसी किसी को ये अभी भी आता नहीं, इसलिए ये पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बहुत एक्चुअली बहुत गलत चीज है कि आपको ना आना ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देंगे अभी क्लास में, एक दो दिन में अपन एक्स्ट्रा टाइम लेंगे उसमें, मैं ये पढ़ा दूंगा। चलो अब ये बात बताओ, 5/2 + 3, अब बताओ ये पूछा, आपका मेन काम क्या है, पहले इसको सॉल्व करो। अब आप बताओ मैं यहाँ पे ऐसा देता हूँ, ये ऐसा, अब बताओ जब भी इनको सॉल्व कर देते हो तो डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर सेम रहा ना, तो एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और ऊपर को नहीं, 5 + 3 बोलो कितना है, 8/2, 8/2 सॉल्व होता है क्या? नहीं होता। 2 × 1 = 2, 4 क्या होता है? 4, क्या आएगा आंसर? 4। अब बताओ अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दिया 7/3 माइनस, यहाँ पे दिया 19/3, अब बताओ इनका भी डिनोमिनेटर कैसा है? फिर घर पे प्रैक्टिस करते हैं इसकी, आप डबल डबल बताओ डिनोमिनेटर कैसा है? कितनी बार लिखते हैं? एक बार, एक ही बार, बोलो ऊपर कितना है? 7 - 19, ऊपर वाले जैसे है वैसे, जैसे 5 + 3 वैसे 7 - 19 जैसा है वैसा। बताओ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बोलो 7 - 19 कितना, वही बात पॉजिटिव नेगेटिव, अभी मिलेगी क्या पॉजिटिव नेगेटिव? मिलेगी तो कितना होता है पता है? 26 होता है। ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं नहीं, कितना आएगा? 12 और ग्रेटर नंबर का साइन, बताओ कटता है कि नहीं कटता है? 12/3 कटता है क्या? 3 × 1 = 3, 4 कितना आंसर है? -4। अब बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4। यानी आपको जो भी करना, ये वाला पार्ट आपके लिए इजी है, लेकिन आपको जो भी तकलीफ जा रही है वो सिर्फ इसी में जाएगी, यानी आपको पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए अंदर के, फिर आपके लिए वो इजी प्रॉब्लम है ना। अब ये क्या होता है, आपको घर में देखो, अभी आप क्या करोगे, देख देख के लिखोगे, बिल्कुल देखते अपने मन से करो, पहले लिखो जरूरी है, जैसे ये वाला आपने देखा समझ लो आप मन से करो, फिर ये देखो कैसे क्या सर, देखो नजरों से और फिर अपने मन से कर देंगे, अटक गए तो फिर। अब बताओ ये है डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम को कैसे सॉल्व करते देखा आपने? अब देखो मैं डिनोमिनेटर क्या दे रहा हूँ, डिफरेंट। अब बताओ इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, जल्दी बताओ? डिफरेंट है। डिफरेंट डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, क्या करते हैं? ऐसा क्रॉस करो, 5 × 3 = 3, ऐसा क्रॉस करते हैं, 2 × 1 = 2, ऊपर लिखते हैं और इन दोनों का नीचे, 3 × 2 = 6, ऐसा करो, यानी इनका 5 × 3 = 15, फिर माइनस का सही, 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, सब मल्टीप्लाई करते, ये भी मल्टीप्लाई करते, वो भी करते, नीचे भी करते। और अब बताओ 15 - 2 कितना होगा? अब बताओ ये कटता है क्या? जैसे यहाँ पे 2 × 1 = 2, 4 = 8, 3 × 1 = 3, 4 = 2, लेकिन ये कटता नहीं, कटता तो रहने, बताओ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 13/16। ठीक है ना, तो आपको मेन ताकत लगानी इसको सॉल्व करना। और अब आप बताओ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं क्या, ऐसे कितने पिक्चर है पहले दो फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना? चलो ठीक है, पहले ये बता इसको बाद में, चलो पॉज कर लेना, करते हो अभी फटाफट, ये तो क्या ठेवा है बरोबर, देखो ये अलग है वो अलग, मॉड अलग अलग है, पहले इस मॉड को सॉल्व करो बाद में उस मॉड को सॉल्व। बताओ मॉड ऑफ 7 क्या होता है? 7 का मॉड क्या होता है? इनपुट, फिर वो अलग मॉड है। बताओ -4 का मॉड क्या होता है? तो -4 हाँ, मॉड हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव ना, मॉड हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव, तो -4 का मॉड भी क्या होगा? +4। अब बताओ ये बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन। बताओ 7 × 4 = 8 हो गया आंसर, क्या किया इस मॉड को सॉल्व किया 7, उस मॉड को सॉल्व किया 4, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन। 7 × 4 = 20, मॉड ऑफ -3 कितना होता है? मॉड ऑफ -3
मॉड ऑफ माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री का मॉड कितना? कॉम्पाउंड सर्व म्हणून पाहतो तो माइंड नाही झाला, त्याने इकडे पूर्ण कॉम्पाउंडच लिहिलं, तो माइंड कसं झालं? हा हा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही पूर्ण कॉम्पाउंड लिहा, तुमचं काही माइंड एकदम बेकार उडल होऊन जाईल. अभी पढ़े हम, निगेटिव का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव. तो माइनस थ्री का मॉड क्या होता है? फिर ये मल्टीप्लाई का सही बताओ. माइनस इलेवन का मॉड इलेवन है, मॉड हमेशा पॉजिटिव जाएगा, वही नंबर आएगा बस पॉजिटिव, ठीक है ना. माइनस वन मॉड क्या होता है? बराबर कितना होता है? थ्री इंटू इलेवन थर्टी थ्री. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बताओ. मॉड ऑफ माइनस सेवन प्लस मॉड ऑफ इलेवन. अब ये सॉल्व करो, दोनों अलग अलग. माइनस सेवन का मॉड ये बीच के प्लस का है, बताओ. माइनस इलेवन का मॉड इलेवन, बताओ. सेवन प्लस इलेवन एटीन. और यही प्रॉब्लम है, बस मैं इनके बीच में माइनस साइन दे रहा हूँ. अब बीच का साइन जैसा वैसा है, बीच का साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो वो तो बीच का साइन है ना, वो मॉड में थोड़ी है. बताओ ये मॉड सॉल्व करो, माइनस सेवन का मॉड ये माइनस साइन बीच में, बताओ. माइनस सेवन का मॉड, अब बताओ. अब कोई मॉड रह गया? मॉड नहीं है ना, तो इसका आंसर जैसा था वैसा लिखना भाई, क्योंकि मॉड नहीं है अभी, अभी मॉड नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो लिखना. बोलो सेवन माइनस सेवन गलत, सेवन गलत, पॉजिटिव निगेटिव मिलते नहीं है, तो एटी नहीं होगा, फोर होगा. लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन बड़ा वाला अपना असर दिखा रहा है ना, तो आंसर का चाहिए मैं. अब देखो यहाँ पे कोई मॉड का सिंबल नहीं है, इसलिए आंसर माइनस फोर है. हमने मॉड सॉल्व कर लिया, ये मॉड हमने सॉल्व किया प्लस सेवन, इसका इलेवन, इसका भी प्लस इलेवन, ये प्लस इलेवन है बोला, ये वाला माइनस. बताओ यही प्रॉब्लम मैं यहाँ पे अलग से लेता हूँ, माइनस सेवन माइनस इलेवन. अब देखो फर्क है दोनों में, ये मॉड के अंदर आपको सॉल्व करना है, कहाँ सॉल्व करना है? मॉड के अंदर. माइनस सेवन माइनस इलेवन माइनस एटीन हो गया सॉल्व, और अभी भी मॉड है ना, माइनस एटीन का मॉड क्या होगा? तुम एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये मॉड है तो मॉड के अंदर सॉल्व करो, और जो आंसर आता है वो पॉजिटिव. यहाँ पे दो दो मॉड थे, ये मॉड इधर सॉल्व कर रहा, देखो लिखा ना पॉजिटिव है, ये मॉड बीच का साइन जैसा है वैसा, ये मॉड मैंने इधर सॉल्व किया, इससे हम प्लस सेवन एटी, ये मॉड मैंने इधर सॉल्व किया प्लस सेवन, ये बीच का साइन जैसा है वैसा, ये मॉड अलग सॉल्व किया. हर मॉड सॉल्व करते समय पॉजिटिव लिखा ना मैंने, हर मॉड का आंसर क्या आता है? पॉजिटिव जाता है, तो इसका भी पॉजिटिव से, इसका भी पॉजिटिव, ये बीच का साइन जैसा है. अब कोई मॉड नहीं है, आंसर माइनस फोर. बताओ इधर, इधर भी वैसे ही है, दोनों का मॉड पॉजिटिव, दोनों का मॉड पॉजिटिव, बीच में मल्टीप्लाई, इसने मल्टीप्लाई किया, बीच में मल्टीप्लाई था इसने, सेवन फोर था ट्वेंटी एट किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे क्या एडिशन, एडिशन किया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, इसने सब्सट्रैक्शन किया, और यहाँ पे क्या है बीच में डिवीजन, डिवीजन करो. बोलो इसका दो दो मॉड है, इसका मॉड अलग, बताओ कितना है मॉड, इसका मॉड कितना? अब कोई मॉड है क्या? अपने अपने जनरल प्रॉब्लम अभी तक कैसे करते वैसे प्रॉब्लम, की मॉड के प्रॉब्लम थोड़ी है. बताओ कटता है क्या? सिक्स वन जा टू बाय वन, यानी क्या होता है टू. अब बताओ एटीन माइनस एटीन का मॉड, सोच के बताओ एटीन, और ट्वेंटी फोर का मॉड, मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अंदर वाला नंबर का हिस्सा मिले पॉजिटिव है या आंसर पॉजिटिव. अब बताओ अब कोई मॉड नहीं, अब डिवीजन कर लो, जैसे यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ पे डिवाइड करो, ये कटते क्या अठारह के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है क्या? एटीन में जाएगा, इनको कोई काटता है क्या? कोई नंबर इन लोगों को काटता है क्या? सिक्स का टेबल, सिक्स काटता है, क्या होता है सिक्स का टेबल? बोलो सिक्स फोर था, ऐसा कोई नंबर ढूंढना जो दोनों को काटे, बाहर का नंबर, जैसे यहाँ पे ये आपस में काट रहे हैं, सिक्स बोलता है मैं तुझे काटूंगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, लेकिन मतलब ये आपस में काट नहीं रहे, ना ना मैं तुझे काट सकता हूँ ना तू मुझे काट सकता है, तो इसी केस में तीसरे को बुला, तीसरे अपन इन दोनों को काट देगा, कौन है वो तीसरा नंबर? सिक्स बोलेगा तुम दोनों रुक जाओ मैं काटता हूँ तुम दोनों,
बताओ क्या बोलेगा, सिक्स थ्री जा सिक्स फोर जा हो गया सिक्स ने काटा। एक तो अच्छा है कि आपस में काट ले, सिक्स वन जा सिक्स टू जा यही आपस में काट टू काट। चलो बताओ थर्टीन का मॉड और ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स का मॉड, देखो मॉड वॉड सॉल्व हो गया। अभी बताओ ये आपस में काटते कि तीसरे को बुलाना पड़ेगा, काटते कौन काटता है, थर्टीन वन जा वन बाय टू क्या आता है, वन लिखना जरूरी है क्या, बताओ यहाँ पे वन लिखा था क्या हमने, सिक्स वन जा सिक्स टू जा टू बाय वन, तो वन लिखा था क्या, तो यहाँ पे लिखना क्या, फिर लिखना नीचे वाला वन लिखते नहीं, वो डिनोमिनेटर का वन नहीं लिखते कभी, लेकिन न्यूमरेटर का वन लिखना पड़ेगा, इसलिए वो न्यूमरेटर का वन रहेगा तो वो वन लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना, मैं आगे कभी पीरियड में बताऊंगा ठीक है। तो ये वन बाय टू है और ये नीचे का वन नहीं लिखना, वो टू बाय वन टू जो है और ये वन बाय टू चलेगा ऐसा। तो और ये रह गया, ये कश मॉड है, दो दो मॉड नहीं है, पहले अंदर का सॉल्व करो। बताओ यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये 15 बाय 5 लिख दो, मॉड मॉड के बाद आने पर नंबर कैसे हो जाएगा, अरे मॉड के बाद पॉजिटिव है ना, अब सॉल्व कर सकते हो कैसे, क्या क्या बोलो, बताओ नीचे का वन लिखना है कि नहीं लिखना है, लिखना कि नहीं, नहीं लिखना नीचे का वन। चलो ये बताओ इसका मॉड निकाल दो ना, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो एक नंबर है ना, मॉड निकाल दो, मॉड निकाल दो बाद में उधर कर दो, आठ काटेगा ये आपस में काटेंगे, एक दूसरे को काटते हैं, एट वन जा एट टू जा सिक्सटीन, बताओ ऊपर का वन लिखू कि नहीं लिखू, डायरेक्ट आंसर टू लिख दू, ऊपर का वन लिखना कि नहीं लिखना चाहिए भाई, ऊपर का वन लिखना है नीचे का वन नहीं। ये प्रॉब्लम हो गए अपने, जो ये वाले भी करना स्टार इस पर किया, देखो यहाँ पे ये मॉड सॉल्व करना, ये मॉड सॉल्व करना बीच में प्लस है, ये मॉड सेवन है, ये मॉड इलेवन है बीच में माइनस है, यहाँ पे देखो ये मॉड मैंने सॉल्व किया बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई करना, एडिशन इसलिए एडिशन, यहाँ पे डिवीजन है इसलिए डिवीजन करना, ऐसे ये प्रॉब्लम है। और इसके जैसे प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो होमवर्क कौन सा आप लोगों के लिए बता देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है होमवर्क 2.5 के सॉल्व एग्जांपल और 2.5 का आप क्वेश्चन वन, वन में कितने आते हैं तीन, ये तीन आपके लिए होमवर्क है, कल करके लाना है ठीक है, ये है होमवर्क। अब ये पूरा लिख दो आपके होमवर्क।